हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन अग्निहोत्री ब्लॉग्स। तो गाइस, आज रोडीज के ऑडिशन हो रहे हैं दिल्ली में और ये JLN में हो रहे हैं। तो गाइस, मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि कितनी भीड़ आई है और यहाँ किस तरह का माहौल है। तो गाइस, ये ब्लॉग कई दिनों के बाद बन रहा है, तो अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं कि कितनी भीड़ लग रही है। तो गाइस, पूरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें और बहुत कुछ होने वाला है, शायद हमारी भी एंट्री हो सकती है, तो आपको अंदर का भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ बस स्टैंड से कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। इसमें से कई चेहरे जो निकलेंगे। लाठी चार्ज बैरिकेडिंग लगा दी थी, ऐसे के लिए तो पक्की रहती है बैरिकेडिंग वाली हमेशा। अरे दीवार काम करे ही नहीं ला तो Thank you.
पता नहीं है। उन्हें सही कह रहा हूँ वाह मशीन जा रही है देख ले एक एक हिस्सा ले जा चलो जल्दी जल्दी चश्मे तो गाइस जैसा कि आप सभी को मैंने अभी कितनी भीड़ दिखाई है, तो अभी रोडीज के एंट्री स्टार्ट हो चुकी है दिल्ली में, तो मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ और फिर कई सारी बातें अगर हमको अंदर एंट्री मिली तो हम अंदर जाके करेंगे। भीड़ देख तू भाई अबे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो किस करके हाँ सर।
डायमंड बैग। ओके भाई भूलना मत। गाइस काफी समय के बाद एंट्री हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी रोडीज बनेगा बाद में। और मैं था उसके साथ, मेरे को मिला था बहुत लंबी लाइन, बड़ी लाइन है। अबे ये डाल दूंगा टिकट टू फिनाले। आ जा ना, आ जा, आ जा, आ गए जाओ यार, आ जाओ भाई, आ जाओ टिकट टू फिनाले। मॉर्निंग की अलग बात है। Thank you.
तो गाइस अभी हमने रोडीज के ऑडिशन ख़त्म करके हम बाहर की तरफ आए हैं और आप जस्ट देख रहे हैं यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू JLN स्टेडियम है मेरे पीछे। तो फ्रेंड्स रोडीज का जो ऑडिशन का जो सारा प्रोसेस है वो घर जाके मैं आप सभी को बताऊँगा प्रॉपर तरीके से, और आप सभी को ये पूरा ब्लॉग देखना है और प्रॉपर तरीके से डिटेल में मैं घर जाके आराम से बताऊँगा। तो गाइस रोडीज का जो प्रोसेस है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अब। तो गाइस रात में मैं थक गया था ज़्यादा, तो वीडियो शूट नहीं कर पाया था प्रोसेस के बारे में, और मैं अभी सुबह नहा धोकर आराम से रेस्ट करने के बाद ये प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही रोडीज़ का जो व्लॉग है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, 17 मिनट का हो चुका है, तो ये 2 मिनट का या 3 मिनट की वीडियो और लंबी खींचेगी जो कि टोटल 20 मिनट का पूरा ब्लॉग बनेगा। तो गाइस सुबह मैं 6 बजे JLN पहुँचा था मेट्रो से, और JLN पहुंचने के बाद मैंने देखा काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी 6 बजे से, यानी कि जो लोग दिल्ली जो होता है वो एक सेंटर होता है और दिल्ली के आसपास के भी आ जाते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी लंबी लाइन देखने को मिली जैसा कि आप सभी ने अब तक देखा। लेकिन 6 बजे से और मेरा जो नंबर आया था लाइन में लगे लगे, मैं खैर लाइन में नहीं लगा था और बाहर ही सभी दोस्तों के साथ खड़ा रहा, और मेरा जो नंबर 12 बजे के समथिंग आया, वहाँ जाकर हमने फॉर्म भरा। आप सभी ने देखा होगा कि ऑडिटोरियम कितना बड़ा है JLN का, वो भी मैंने आप सभी को दिखाया, सोनू सूद और रिया चक्रवर्ती सभी लोग आए थे। तो वहाँ पे हमें एक फॉर्म मिलता है जो कि फॉर्म फिल करना होता है, पूरा फॉर्म फिल किया और वो फॉर्म हमने जमा करने के बाद शाम को 6 बजे हमारा नंबर आया, यानी कि 12 घंटे पीछे हमारा नंबर आया, और 10-10, 12-12 बंदे के एक एक ग्रुप भेजा जा रहा था नंबर वाइज नंबर। तो मेरा नंबर आया और 6 बजे के बाद जैसे ही हमारा नंबर आया तो हमने इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट किया। तो भाई सबसे पहले हमसे इंट्रोडक्शन पूछा था कि आपका नाम क्या है, ये है वो, तो हमने सारा कुछ बताया, तो धीरे धीरे सभी ने बताया, तो हमारा जो इंट्रोडक्शन लगभग आध घंटे चला था। और उसके बाद फिर हम वापस निकले, जहाँ मैंने आप सभी को दिखाया कि कितनी रात में मैं बाहर निकला था, आप सभी ने देखा ही था। तो यही प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, लेकिन इतनी बात है कि ऑडिटोरियम काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और सोनू सूद आए तो काफ़ी अच्छा लगा जब हम किसी एक्टर को देखते हैं। तो यही प्रोसेस है, अगर आप सभी को प्रोसेस अच्छा लगा होगा, खैर ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, आप कभी भी ऑडिशन के लिए जाएँ तो सुबह जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से जाएँ, आराम से सब काम होता है। तो बस यही पूरा लंबा प्रोसेस है, फॉर्म फिल करो, अभी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो हम पर कॉल आएगी, और कॉल आने के बाद फिर हम GD1, GD2 और फिर फाइनल राउंड ऐसे वगैरह खेलते रहें। तो गाइस आप सभी रोडीज़ का पूरा ब्लॉग देखें, इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। अगर आप सभी को अभी भी कुछ पसंद नहीं आया हो या समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली बता सकता हूँ, और भी नई वीडियो आप सभी के लिए एक बना दूंगा, आप आराम से और भी समझ सकते हैं। ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी हम मुझसे अलग पूछ सकते हैं, आप लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द ही, देखते हैं कहाँ का होने वाला है। तो गाइस ये ब्लॉग रोडीज ब्लॉग है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लॉग है, तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द ही।